तो नापतोल में एड देखने के बाद मेरे पापा ने ऑर्डर किया नापतोल से एक ग्लास, अरे पानी वाला ग्लास नहीं, सन ग्लास की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सन ग्लास नहीं, क्योंकि उसमें सन प्रोटेक्शन वाली बात नहीं है, सन प्रोटेक्शन है बट वो काला नहीं है ना, इसीलिए। उसके साथ ये कागज भी दिया था जिसके ऊपर जो भी लिखा है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। हाँ, तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर है हमारा ग्लास, और हाँ ऐसे दो आए थे, एक मैंने साइड में रखा क्योंकि एक ही से पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बेकार है, वहाँ पे जैसे कहा गया कि आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई डोंट नो उसके बारे में कि ये सच्ची में अच्छा है या नहीं, पर ये इसमें थोड़ी पावर तो है और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। बस एक ही चीज़ है, अगर आप सोचो कि पढ़ाई करने बैठे हो, आपकी बुक्स में वो जो लिखा रहता है ना वो थोड़ा अगर छोटे छोटे अक्षरों में होता है, तो इसे पहन के अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो अक्षर आपको थोड़े से बड़े दिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मैं आपको देख पा रहा हूँ या नहीं, मैं अपने फोन को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ ब्लर हो चुका है। मतलब लिटरली आप अपने इतने डिस्टेंस के अंदर जो कुछ भी होगा, लाइक जब आप पढ़ाई करते हो तो बुक्स आपकी लगभग इतने डिस्टेंस के अंदर ही होती है, तो इसके अंदर आप इसे पहनने के बाद हर एक चीज को फोकस से देख सकते हो, ओके। बट अगर ये इतनी रेंज में आ जाए, मतलब यहाँ से दूर हो जाए, देख सकते हो आप यहाँ से दूर हो जाए, तब आपको सब कुछ ब्लर दिखेगा। तो बाकी चीजों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इसे आप पहन के रास्ते में चल नहीं पाओगे क्योंकि ब्लर ही हो जाएगा। पर अगर आप पढ़ने बैठे हो तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में वक्त भी लगता है, उसमें अच्छे से फोकस भी नहीं कर पाते, बट ये काफ़ी अच्छा है। सो इसे पहनने के बाद में कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताओ। मैं जानता हूँ मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, बट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कितनी बार सब्सक्राइब बोला। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो मैंने कहा सब्सक्राइब करो, दो बार बोला तो एक बार तो खरीदना, और लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो ऐसी बेकार चीज़ें ना खरीदें। हाँ, पर अगर पढ़ाई वाले हुए तो भेज सकते हो यार, फालतू में पैसे बर्बाद करने की खुजली हर किसी को होती है। ओके, बाय।